आइए देखते हैं डीवीटीवी न्यूज। उनको जो है जेल में फांसी लिए बोल के बोल रहे हैं। अब उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आए, आदिलाबाद में फर्स्ट रिम्स हॉस्पिटल को लेके गए थे, लेकिन वहाँ से उनको उस्मानिया को रेफर कर दिए। अब उस्मानिया हॉस्पिटल में जो है उनकी हालत तश्वीशनाक है। डॉक्टर का कहना है अभी कुछ कह नहीं सकते, जो है वेंटिलेटर पर लगाएंगे बोल के बोल रहे हैं। हमारा मुतालबा क्या है हमारे मीडिया के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से कि फारूक अहमद पे जो है पुलिस का बहुत टॉर्चर था, और आदिलाबाद के लोकल MLA जोगू रामन्ना का बहुत टार्चर है। उन्होंने सियासी इंतखाम जो है अपना सियासी दुश्मनी को जो है अपनी जातियत पे लेके काम कर रहे हैं, और आदिलाबाद के SP विष्णु वारियर जब जो है एक तरफा काम करते हुए फारूक अहमद पे जुल्म और ज्यादत भी कर रहे हैं, उसकी वजह से फारूक अहमद फांसी लिए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन हमको शक है इस पर, फारूक अहमद जो है एक जांबाज लीडर थे, उन्होंने फांसी लेने की नाकारा हरकत नहीं कर सकते। हमको यकीन है कि उनके ऊपर जो है खातिलाना हमला हुआ जेल में। इससे पहले बेशी में मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फारूक अहमद से मुलाकात करा था। फारूक अहमद साहब जब भी बोल रहे थे कि मेरी जान को जेल में ख़तरा है, आदिलाबाद के लोकल MLA के जरिए जेल में मेरे को टॉर्चर किया जा रहा बोल के उनका पहले से मेरे से को कहना था। लेकिन अब हम क्या कर सकते, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमको ये दिन देखना पड़ा। और विष्णु वारियर साहब जो है सामने वालों पर जो लड़ाई हुई फारूक अहमद पे, एक बात आप लोगों बताइए, फारूक अहमद पे हमसेट बुक करे क्यों बुक करे? फारूक अहमद के पास जो है अपनी लाइसेंस याफ्ता वेपन है, फारूक अहमद पे हमसेट बुक कर दिए। सामने वालों के पास जम्बिए चैना तलवारा है, उन पे कोई हमसेट बुक नहीं हुआ, ना उन पे कोई केस बुक हुआ, ना उन्होंने अरेस्ट हुए और ना उनका कोई पंचनामा हुआ। ये सब मिलके जो है सियासी इंतकाम लिया जा रहा फारूक अहमद से, और लोकल MLA के दबाव में आके SP विष्णु वारियर जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। हमको विष्णु वारियर से CBI इंक्वायरी चाहिए कि ये केस आखिर जेल में हुआ क्या। फारूक अहमद पुलिस का ये आया सामने, फारूक अहमद जो है फांसी लेने वाले आदमी नहीं है। फारूक अहमद को जो है कत्ल करने की कोशिश की गई। आपको इतला कब मिली था? हमको सुबह में 11 बजे इतला मिली कि फारूक अहमद को दवाखाने में एडमिट करे। किस वजह से करे बोले तो फारूक अहमद का BP लो हो गया, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तबीयत खराब है, इसलिए एडमिट करे बोले। थोड़ी देर के बाद हमको मालूम हुआ, हम निगाना करने से हमारे लोग पहुँचने से मालूम हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट करे सुसाइड बोल के बोले। उसके बाद एम्बुलेंस से हमको हैदराबाद के लिए रवाना करे, रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिया गया आधा घंटा, एक आधे घंटे तो ज़्यादा हो गया। कौन से एरिया में रोके एम्बुलेंस? कोई हाईवे पे रोक दिए थोड़ा आदिलाबाद से निकलते ही, और पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे आदमी को कोई एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिए। क्यों बैठने नहीं दिए हमारे आदमी को? हमारे पास वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके वायरल करे, आप लोग देखे होंगे। और रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिए, हम लोग पहुँच क्या वजह से रोके, हम लोग निकलने के बाद थोड़ी देर के हम पहुँचने के बाद पूछे कि एम्बुलेंस क्यों रोके, बोल दो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, जरा हमको फॉर्मेलिटी पूरी करना है, SP से बात करना है। क्या बात करना था SP से? क्या बात करते हाईवे पे बोलिए आप एम्बुलेंस रोक के? एक आधे घंटे से ज्यादा रुके होंगे, हम पहुंचने के बाद ही आधा घंटा हुआ। जान को कुछ धोखा हुआ तो उसकी कौन जिम्मेदारी? फारूक अहमद को जो है अब मैडम बोल रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में है, 50-50 है उनका जो है ब्रेन काम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्रेन में जो है ब्लड नहीं पहुंच रहा, अभी हम बोल नहीं सकते क्या है बोल के। मैडम का बोलना ये है, डॉक्टर का तो कुछ निशानात है क्या? निशानात है, लेकिन साहब आप देखिए हैंग करा सो आदमी के निशान पूरे रहते, उनको सिर्फ यहाँ तक है। और उनके डॉक्टर से पूछे तो जेल के जो डॉक्टर है, जेल का डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि उन्होंने बाथरूम में हैंग कर लिए, सुसाइड करे। बाथरूम की हाइट 5 फीट है, आदमी खुद 5.5 फीट का है, बाथरूम में हैंग कैसा करता? और दूसरी बात, बाथरूम में उनको रस्सी लाके कौन दिए? जेल में रस्सी लाके कौन दिए हैंग कर लो बोल के? जेल है क्या है? और दूसरी चीज़ साहब, अभी तेलंगाना स्टेट में कितने मर्डर्स नहीं हो रहे आप लोग देख रहे हैं, आए दिन डेली एक मर्डर हो रहा,
किसी की चार्जशीट नहीं डल रही, किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं लाया जा रहा। विष्णु वारियर साहब जो है ये आपस ही पॉलिटिशियन इशू में आके, प्रेशर में आके 3 महीने के अंदर आप लोग समझ सकते हैं, बुलेट्स की जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली है 3 महीने के अंदर, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा ली है, वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली है 3 महीने के अंदर, ये सब करके 89 डेज के दिन 4 बजे चार्जशीट डाला गया। 4 बजे लाते चार्जशीट, 4 बजे 89 डेज के दिन बेल होने के दिन 4 बजे चार्जशीट डाली गई। पूरा मनसूबाबंद तरीके से काम किया जा रहा फारूक अहमद को फंसाने और फारूक अहमद का कत्ल करने के लिए। फारूक अहमद मेरे बड़े साड़ू है, इनके भतीजे है, इनके चाचा है, इन्हों इनके भतीजे है, लेकिन मैं शुरू से फारूक अहमद के लिए काम कर रहा हूँ, बेलों के लिए मैं फिर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फारूक अहमद के साथ ये ज्यादती करी आ रही। आप लोग देखिए फारूक अहमद पे एम सेट बुक करें, किस वजह से करें? फारूक अहमद की वेपन जो थी लाइसेंस है, ये लोगों पे एम सेट बुक नहीं करें जिसके पास हथियार है। मैं आप लोगों को आपसे बताने के लिए लाया हूँ, इन्हों इन पे एक भी केस बुक नहीं हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ? इनके पास भी हथियार है। ये क्या है? ये जंबिये है, ये देखिए भाई। फारूक अहमद के पास छोटी एक नाइफ थी, आम सेट बुक कर दिए। इनके पास बड़े बड़े जंबिये, चेन, तलवार है, इनपे आम सेट बुक नहीं हुआ, ये पीछे भाग रहे। और आप लोगों को बताता हूँ मैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आज तेलंगाना इनाडु पेपर में दिए। हमारा हुकूमत से मुतालबा क्या है मैं और आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्या SP विष्णु वारियर खाली तेलंगाना में एक ही ऑफिसर है जो काबिल है 3 महीने के अंदर केस क्लोज करना चाह रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए केस चला के फारूक अहमद को सजा दिलवाना चाह रहे हैं। बाकी जो तेलंगाना में कत्ल हो रहे, लायरों को रोड पे मार दिया जा रहा, गनेटा डाल के हमारे सदरों को मार दिया जा रहा, किसी और आम आदमी को मार दिया जा रहा, क्या उन सब पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के केस चलाया जाएगा? फिर उन सब के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो रही, फारूक अहमद को अकेले को सजा दिलाने विष्णु वारियर साहब की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या फारूक अहमद को सिर्फ एक ही गुनाहगार है? फारूक अहमद जो है सेल्फ डिफेंस में लड़ी, सेल्फ डिफेंस की लड़ाई हुई थी वो। आप लोग देखे कि एक बच्चे के ऊपर हमला करा तो उसका बाप जो है चीता को मार दिया, निहत्ता एक खूंखार जानवर से लड़ लिया। ये तो जालिमों से उन्होंने अपने बच्चे को बचाने लड़े, फिर उनके पास जो है उनको खातिल थे नहीं थे वो सब कोर्ट बाद में फैसला करता था। फिर उसी तरीके से सब पे भी चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सब खातिलों पे चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलाना, फारूक अहमद पे अकेले पे क्यों चल रहा? ये आप लोग भी समझ सकते। और हमको आप लोगों के जरिए एक ही चीज़ जानना है, एक ही चीज़ चाहिए हमको, फारूक अहमद के लिए इंसाफ चाहिए, CBI इंक्वायरी होना और जेल में फारूक को रस्सी कौन दिए फांसी लेने? ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि जेल में अगर फारूक रस्सी लिया तो कौन जिम्मेदार, फांसी कैसा लेता जेल में? फांसी दिया गया है या हमारा हम फारूक अहमद हमको पेशी में इससे पहले पेशी में ही बोले कि मेरी जान को खतरा है जेल में, तो फारूक अहमद को कैसा मालूम था उनकी जान को खतरा है उन्हें फांसी लेने वाले? आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि फारूक का कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है 100 दिन से एवरी चाइल्ड सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स हियर लाइक अ मल्टीफेसेटेड डायमंड एवरी स्टूडेंट हु स्टेप्स इनटू सक्सेस स्कूल shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.